इंदौर कांग्रेस संगठन में कसावट लाने की कवायद हो रही है। शनिवार को विधानसभा क्रमांक 5 में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल ने पदाधिकारियों को जमकर करिकोटी सुनाई। पटेल ने कांग्रेस पदाधिकारी को अपने निशाने पर लिया, जो कि पद लेकर बैठ जाते हैं लेकिन कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में आते नहीं। मंडलम सेक्टर के अध्यक्षों को हिदायत देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में वार्ड बैठकें ली जाएंगी, लेकिन बैठक में कार्यकर्ता नहीं पहुंचते हैं तो इसकी जिम्मेदारी अध्यक्षों की रहेगी। काम में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने उन दावेदारों को अपने निशाने पर लिया जो निगम चुनाव में टिकट मांग रहे हैं। कहा कि जो काम करके दिखाएगा उसी को निगम चुनाव में मौका दिया जाएगा। कांग्रेस 25 अगस्त को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में मौन रैली निकालने जा रही, जिसमें सभी विधानसभा से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए निर्देश दिए गए। ये तो संगठन में आदरणीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व में जो मीटिंग हुई वो हमने अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी के संदेश को कार्यकर्ता तक पहुंचाया, और ये बात तो तय है जो काम करेगा वही आगे आएगा, चाहे मीडिया में हो, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे पार्टियों में हो। मॉनिटरिंग करेंगे जो भी हमारे पर्यवेक्षक हमारे साथ बैठे हैं, भाई रघु वर्मा जी, भाई सत्यनारायण पटेल जी, हम सब लोग मिलकर इसकी बात में छटनी करेंगे कि जो कांग्रेस का काम करेगा, जो कांग्रेस के आंदोलन में आएगा, जो कांग्रेस की हर जगह दिखेगा, उसको प्राथमिकता से हम टिकट देने का प्रयास करेंगे।